गुड मॉर्निंग स्टूडेंट क्लास 8। हम पढ़ रहे हैं व्याकरण। व्याकरण में हम पढ़ रहे थे फाइव चैप्टर में हमने एकार्थी और अनेकार्थी शब्दों को पढ़ा है। तो एकार्थी शब्द के बारे में हम पढ़ चुके हैं और आज हमें पढ़ना है अनेकार्थी शब्द कि अनेकार्थी शब्द किसे कहते हैं। चैप्टर 5 में हैं हम और पेज नंबर 33 पढ़ रहे हैं। तो देखिए अनेकार्थी शब्द क्या कहलाते हैं। प्रायः बोलते समय अथवा कुछ लिखते समय हम अनेक ऐसे शब्दों का प्रयोग करते जो अलग अलग वाक्यों में अलग अलग अर्थ बताते हैं। ये शब्द वाक्यों प्रयुक्त होकर वाक्य के भाव के अनुसार अर्थ प्रकट करते हैं, इसलिए उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। इस प्रकार के कुछ शब्द नीचे दिए जा रहे हैं, इन्हें पढ़िए और समझिए। देखिए अनेकार्थी शब्द जैसे अज, तो उनके विभिन्न अर्थ हैं। अज मतलब शिव भी होता है, अज मतलब बकरा भी होता है। कामदेव के लिए भी हम अज का प्रयोग करते हैं, अज दशरथ के पिता के लिए भी और ब्रह्मा के लिए भी करते हैं। जैसे योग नियम, योग मतलब नियम भी होता है, योग मतलब उपाय भी होता है। और योग हम प्रेम के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, योग हम ध्यान के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, योग हम मेल के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, योग मतलब धोखा के लिए भी करते हैं और योग मतलब जोड़ना भी होता है। इसलिए ये अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं, एक ही शब्द के कई अर्थ। जैसे सारंग मतलब मेघ, सारंग मेघ के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। सारंग शब्द हम सिंह के लिए भी, मोर के लिए भी, दीपक के लिए भी, हवा के लिए भी, सिर्फ के लिए भी, हिरण के लिए भी हम सारंग शब्द का इस्तेमाल करते हैं। इस तरह आपकी बुक में ये लिखे हुए हैं, इन्हें आप पढ़ लीजिए और याद कर लीजिएगा, नोटबुक में भी लिख लीजिएगा और इसे लर्न कर लीजिएगा। ये अनेकार्थी शब्द हैं। अनेकार्थी शब्द मतलब एक शब्द के कई अर्थ अनेकार्थी कहलाते हैं। ठीक है, तो जैसे इसी में भी दिए हुए आपके 38 दिए हुए हैं, इन्हें आप नोटबुक में भी लिख लीजिएगा और लर्न कर लीजिएगा। इसके बाद है समरूपी भिन्नार्थक शब्द। समरूपी भिन्नार्थक शब्द वे कहलाते हैं जो शब्द सुनने में समान लगते हैं और उनका अर्थ भिन्न भिन्न होता है, अर्थात अलग अलग होता है, तो उसे समरूपी भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। हिंदी भाषा में प्रायः कुछ ऐसे शब्द प्रयुक्त होते हैं जो बोलने अथवा सुनने में अर्थात उच्चारण में लगभग एक समान प्रतीत होते हैं, परंतु इन शब्दों के उच्चारण में सूक्ष्म भेद होता है जिससे उनके अर्थ में अंतर आ जाता है। इस प्रकार के शब्दों को समरूपी भिन्नार्थक या श्रुति भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। यदि हम उस उच्चारण के सूक्ष्म भेद को ध्यान में ना रखें और वाक्य में किसी शब्द के स्थान पर इसका समरूपी भिन्नार्थक शब्द प्रयोग कर दें तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। जैसे आदि का आदि प्रारंभ, आदि आदत और बहु बहुत, बहु वधु। उपयुक्त पहले उदाहरण में आदि शब्द का अर्थ प्रारंभ है जबकि आदि शब्द का अर्थ आदत है, अतः हम इन शब्दों को एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग नहीं कर सकते, इसलिए ये समरूपी भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। मतलब जो सुनने में समान लगते हैं मगर थोड़ा सा परिवर्तन हो जाने में, उच्चारण के थोड़े से हेर फेर से उसका अर्थ बदल जाता है, तो ऐसे शब्दों को हम समरूपी भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। जैसे शब्द निहार, तो निहार मतलब और निहार मतलब देख, दोनों का अंतर निहार और निहार इसे बड़ी की मात्रा और इसमें छोटी की मात्रा है, थोड़ा सा मात्रा में अंतर आ जाने से दोनों के अर्थ में अंतर आ गया। मतलब निहार और निहार में ज़्यादा अंतर नहीं है, सुनने में समान लग रहे हैं परंतु उनका अर्थ दोनों का अलग अलग हो गया है, इसलिए ऐसे शब्दों को समरूपी भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। जैसे श्याम का अर्थ होता है काला और शाम का अर्थ होता है संध्या, दारा का अर्थ स्त्री, द्वारा का अर्थ माध्यम, नारी का नब्ज, तो नारी का स्त्री, शकल टुकड़ा, तो शकल अगर सरोते वाला सा बन गया तो सारा हो गया, ताल तालाब, तल अगर बड़ा की मात्रा नहीं लगा तल लिख दिया तो सतह हो गया, शम शांति, शम बराबर, धान्य अनाज, धन्य महान, सम्मान आदर, समान तुल्य, कर्म काम कम क्रम सिलसिला, कपाट किवाड़, कपट धोखा, विष कमल नाल, विष जहर। इस तरह अगर यहाँ पर सरोते वाला सा हो और सकोड़ वाला सा बना दिया जाए तो जहर हो जाता है, और सरोते वाला सा बोलेंगे तो कमल नयन, विष मतलब कमल नाल, और तो इस तरह जो है कृपाण तलवार, कृपण कंजूस, इस तरह अर्थ जो है अलग अलग हो जाते हैं। आप अपनी बुक में नोटबुक में लिख लीजिएगा या आपकी बुक में दिए हुए इन्हें और इन्हें याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद आता है हमने आज क्या क्या सीखा।
हमने अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग भाषा में सौंदर्य लाने व उसे प्रभावपूर्ण बनाने के लिए किया जाता है। कुछ शब्द अर्थ की दृष्टि से समान प्रतीत होते हैं परंतु उनके अर्थ में सूक्ष्म भेद पाया जाता है। ऐसे शब्दों को एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द कहते हैं। अनेक अर्थ वाले शब्द अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। जो शब्द सुनने में तो एक जैसे प्रतीत होते हैं परंतु उनके उच्चारण में सूक्ष्म अंतर के कारण अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं, उन शब्दों को श्रुति समभिन्नार्थक शब्द कहते हैं। चलिए अब अपनी बुक फिल कर लेते हैं। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। दिन रात दिन शब्दों का प्रकार है क्या विलोम, और जिन शब्दों का अर्थ समान होते हुए भी उनमें सूक्ष्म भेद होता है क्या कहलाते हैं एकार्थी, टिक लगा लीजिए। सब कुछ जानने वाले के लिए एक शब्द है सर्वज्ञ, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए या टिक लगवा दिया, बुक में फिल कर लीजिए, बुक में नोटबुक में लिख लीजिएगा। सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। समरूपी भिन्नार्थक शब्द समानार्थी शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, गलत है, गलत का निशान लगा लीजिए। और भाषा का सौंदर्य बढ़ाने व उसमें संक्षिप्तता लाने के लिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, ये सही है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्दों के स्थान पर किया जाता है, ये गलत है। और अनेकार्थी शब्द अनेक अर्थों का बोध कराते हैं, सही है। जो शब्द अर्थ की दृष्टि से समान प्रतीत नहीं होते किंतु उच्चारण की दृष्टि से लगभग समान होते हैं वो सही है, समान होते हैं, समरूपी भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं, ये सही है। आप देखें निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए जो कानून के विरुद्ध हो, अवैध, अंडे से जन्म लेने वाला अंडज, जिसके मुंह से आग निकलती हो ज्वालामुखी, जो बात लोगों से सुनी गई हो जनश्रुति, जिसकी सीमा ना हो सीमाहीन, जिसका आरंभ ना हो आदि, जो कम खाता हो स्वल्पाहारी। निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखे, उपयोग विशेष रूप से काम में लाना, प्रयोग सामान्य रूप से काम में लाना, दोनों का अंतर हो, दोनों के अर्थ में अंतर आ गया। सम्राट राजाओं का राजा, तो राजा कोई सामान्य राजा। पुत्र बेटा, बालक लड़का। श्रद्धा बड़े व्यक्ति के प्रति पूज्य भाव, बड़े व्यक्ति के प्रति पूज्य भाव। और भक्ति देवता के प्रति पूज्य भाव। प्राचीन कई शताब्दियों का, पुराना बहुत दिनों का। भ्रमण घूमना और पर्यटन किसी स्थान का भ्रमण। तो इस तरह शब्दों का अर्थ अलग अलग होता है और अलग अलग उनका इस्तेमाल किया जाता है। निम्नलिखित शब्दों के दो दो अर्थ लिखिए। तो रक्त सिंदूर, लाल चंदन, मधु पानी, अमृत लक्ष्मी, शोभा धन, ईश्वर अंतहीन अनंत, प्रातः सुबह अरुणोदय की लालिमा, श्री लक्ष्मी शोभा, कंस श्री कृष्ण के मामा, कांसा। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित शब्दों का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। धरा पृथ्वी, धारा पानी का बहाव, कुल वंश, कुल किनारा। वाक्य प्रयोग आप स्वयं कर लेंगे। उसके बाद आइए चिर देर, देर चीर वस्त्र, कली फूलों की कली, कली कलियुग। इनमें से अनुपयुक्त समानार्थी शब्द छाट कर लिखिए। वायु पखेरु और अनंत, सर्किल लगा दिया है, अलग कर लीजिए। पत्नी दुहिता, तनुजा, कौवा श्यामा, एकाच वस्त्र, शखी तनिया, उल्लास विस्मय कौतूहल। दिए गए मुहावरों में से उचित शब्द चुनकर खाली स्थान भरिए। मुझे तुम्हारी पार्टी की जीत में संदेह है, आतंकवादियों ने 5 व्यक्तियों की हत्या कर दी, कोई व्याधि होने पर डॉक्टर को अवश्य दिखाएं, सभी विषयों में पास होना अनिवार्य है, रावण में बुद्धि थी परंतु विवेक नहीं था, कुत्ते की आयु 14 वर्ष मानी गई है। इस तरह आप अपनी बुक फिल कर लीजिए। जो डाउट हो डाउट क्लास से पूछ लीजिएगा।